प्रीफिक्स एड पर विचार करेंगे, संस्कृत में आ आंग और अंग्रेजी में एड। साधारणतया एड का प्रयोग वहां पर होता है जो लैटिन के रास्ते जो वर्ड्स इंग्लिश में आए हैं, और इनके साधारणतया ये तीन अर्थ हैं। एक तो ये डायरेक्शन या उसके चेंज ऑफ डायरेक्शन का सेंस देता है, या एडिशन का सेंस देता है, नियरनेस का सेंस देता है, या किसी तरह के ऑगमेंटेशन का भी सेंस देता है जो एडिशन में है। तो इस तरह के सेंसेज इसमें रहते हैं। तो जैसे कि आप देखें कुछ शब्दों में, जैसे कि हिंदी में भी साधारणतया इसके ये सभी अर्थ रहते ही हैं संस्कृत से, चूंकि जहां भी शब्द आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें एडवेंट शब्द, एडवेंट जो विनियो जो लैटिन में होता है इसका अर्थ होता है टू गो, बट एडवेंट आने के सेंस में हो जाता है, सेंस उलट जाता है एडवेंट। फॉर एग्जाम्पल द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग, द फॉर एग्जाम्पल इसमें अब ये विनियो है, ये भी संस्कृत शब्द है, वा इसमें थोड़ा नेजलाइजेशन हुआ है, अन्यथा ये भी संस्कृत शब्द ही है। तो अब थोड़ा हम ध्यान दें इनसे बनने वाले कुछ शब्दों पर। और जैसे पहला शब्द हम लेते हैं एग्रवेट। अब यहां पर देखें एड प्लस ग्रेविट, लेकिन ये डी जी में क्यों परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद के, दिस इज अ यूफोनिक कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन को, सारे कंजंक्शन दरअसल यूफोनिक होते हैं। यूफोनिक का अर्थ होता है कि जो बोलने में स्वाभाविक और मधुर लगे, तो अपने आप उसका जो संधि एक तरह की होती है, जो कोलिशन होता है, कोलिशंस होता है, वो चेंज हो जाता है। तो नेचुरली यहां डी जी में बदल जाता है एग्रवेट। यहां पर हम हिंदी के उन शब्दों पर भी विचार करते चलेंगे सुविधा के लिए। तो गुरु का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, भारी होता है। हम यहां पर मूल रूप पर हर जगह विचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानबूझकर किसी चीज को दुरूह नहीं बनाना चाहते, हम इसकी स्वाभाविकता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। गुरु का अर्थ होता है भारी। तो जब यू वेन यू एग्रेवेटेड सिचुएशन, आप एक्चुअली सिचुएशन को भारी बना देते हैं, खराब बना देते हैं। तो इस सेंस में और भी, जैसे ग्रेविटी शब्द है गुरु, जिसको गुरुता कहते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब उसकी गुरुता को समझें, उसके भारीपन को समझें। ही इज अ वेरी ग्रेव फेस, यहां पर आप देख सकते हैं ग्रैंड, यहां भी गुरु अर्थ उसी सेंस में, लार्ज के सेंस में, जैसे इसी को फ्रेंच में घना पढ़ते हैं, क्योंकि डी साइलेंट होता है फ्रेंच में। और जो एक्चुअली गुरु शब्द है अंग्रेजी में क्या होता है कि नेजलाइजेशन गायब हो करके, नेजलाइजेशन के गायब होने की टेंडेंसी इंग्लिश में रहती है, और फ्रेंच में ये नेजलाइज्ड ही रहता है, इसको पढ़ते हैं घना घना, और ये ग्रैंड इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो ये सभी शब्द आप देखो। उसी तरह एग्रीव, जैसे अगर किसी आदमी को न्याय पूरा ना मिला हो तो वो दुखी हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि एग्रीव्ड पर्सन। Why? Because वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से भारी, वो भारी मन का हो गया है, भारीपन उसमें आ गया, and that is why he is aggrieved। तो यहां पर हम देखें कि ये सेंस क्या है, और एड का सेंस इसमें हम ला रहे हैं, ये सब एड लगा हुआ है। उसी तरह एग्रेंडाइज शब्द में भी यही गुरु शब्द है। एग्रेंडाइज मीन्स टू इंक्रीज पावर, स्टेटस एटसेट्रा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट इज द सोल मोटिव ऑफ पीपल टुडे, कि अपना हम कैसे पावर स्टेटस इंक्रीज करें, इसी में लोग लगे रहते हैं। तो एग्रेंडाइजिंग फिलॉसफी आज हमारी हो चली है। अब दूसरा शब्द ने एसिमिलेट, यहां पर भी एड सिमिलेट, सिमिलर शब्द पहले भी बतलाया था, ये सम के लिए है। यहां पर भी यूफोनिक कंजंक्शन के हिसाब से डी एस में तब्दील हो गया एसिमिलेट। जैसे कि अगर आप कोई चीज खाते हैं और आप उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप शरीर का हिस्सा बना पाते हैं, तो आप कहते हैं कि एसिमिलेट, यू हैव एसिमिलेटेड द फूड, यू हैव नॉट ओनली डाइजेस्टेड बट ऑल्सो एसिमिलेटेड, यू एसिमिलेट एन आईडी, मीन्स द आईडी हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, दिस इज द मीनिंग। आपने उसको एकदम समान बना लिया आप जिस किसी भी चीज से, अगर वो बॉडी का हिस्सा समान हो गया तो यू हैव एसिमिलेटेड थिंग्स। उसी प्रकार से सेम सिम्युलेट शब्द एक इंपॉर्टेंट शब्द अंग्रेजी में आता है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अगर कोई मशीन आपने बनाई है, बनानी है, तो आप
पहले उसको प्रयोग करते हैं कंप्यूटर पर और बहुत तरीके से देखते हैं कि वो कैसा वर्क करेगा, उसके डिफरेंट फैसेट्स और फीचर्स पर विचार करते हैं। तो एक तरीके से पहले आप उसको एकदम वैसा ही बना करके टेस्ट करते हैं। तो लैब में एक तरीके की जो टेस्टिंग होती है उसको सिम्युलेशन बोलते हैं। तो ये मतलब समान तरह की चीज आप कर रहे हैं, इसीलिए उसको सिम्युलेट करना कहा जाता है। आप समझिए सेंस कहां से आ रहा है और इसका हम कैसे अर्थ विस्तार देते हैं, ये समझने की कोशिश करनी होगी। अब एक शब्द लें एनेक्स, यहां पर एड जोड़ नेक्स। नेक्स शब्द संस्कृत का नह शब्द है, नह का मतलब होता है टू टाई टू कनेक्ट। ये बहुत कम जैसे कि नथी वगैरह में आपको ये आता है, जैसे कि आप कहते हैं कि भाई इसकी नथी कर दो, जरा सा धागा से बांध दो। तो ऐसे बहुत सारे संस्कृत शब्द में तो ये है, अनाह विनाह परिणाह वगैरह में, जैसे आप कुएं के चारों ओर ऐसे मेड़ डालते हैं तो उसको विनाह कहते हैं, क्योंकि आप बांधते हैं दरअसल चारों ओर, वहां पर जो सेंस है उस सेंस में ये आता है विनाह। ऐसे ही अनाह भी कोई रस्सी होती है जिसको आप बांधने के काम में लाते हैं। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में बहुत कम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे शब्द। नथी शब्द साधारणतः प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे कि ये शब्द न केवल यहां पर अनेक्स या अनेक्सेशन या अनेक्चर जैसे शब्दों में आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसका मतलब ही है कि आप अलग से आप जोड़ रहे हैं कोई चीज, तो ये इस सेंस में है अनेक्चर। और जैसे कि आप कोई भी चीज अगर है उसके बाद में आप कोई चीज ऐड करते हैं तो आप कहते हैं कि अनेक्चर एक लगा दो भाई। उसी तरीके से कनेक्ट कनेक्शन वगैरह में आप कनेक्टर वगैरह में उन शब्दों को उसको देख, हमने देखा कि नह शब्द का अर्थ होता है टू कनेक्ट, और इससे अनेक्स अनेक्चर नेक्सस कनेक्शन वगैरह ये सारे शब्द बने हैं। अब हम दूसरा शब्द देखेंगे एडमोनिश। तो एडमोनिश शब्द का जो संस्कृत में जैसे हम कहते हैं मा, जैसे हम कहते हैं ये काम मत करो, मत करो, मत शब्द भी संस्कृत का मा से ही आया है। डोंट डू दिस, मा करू, मा करू, मा गच्छा, मा मैवम वगैरह शब्द का जो है। तो यहां पर भी वार्निंग के सेंस में एडमोनिश में जो ये शब्द आया है ये वही रूट वर्ड है। मॉनिटर में भी वही है, मॉनिटर का काम ही है किसी चीज को रोकना, वार्न करना, यही इस सेंस में मा करू वगैरह वगैरह उसी सेंस में मॉनिटरिंग का प्रयोग होता है। भले ही इसमें हम अर्थ विस्तार करते हैं कि जब किसी चीज को आप मॉनिटर करते हैं तो उसके आप कई पहलुओं पर विचार कर रहे होते हैं, बट द सेंस इज ओवरऑल दैट, although there is a broadening in the meaning। उसी तरीके से शब्द विचार करें agglutinate, एक्चुअली यहां पर डी का जी हो जाता है, और ग्लूटेन शब्द संस्कृत का ग्रथ शब्द है, ग्रथ का मतलब टू टाई टूगेदर टू स्टिच टूगेदर। तो ये जैसे कि ग्रंथ शब्द संस्कृत में इसी से बना है, बिकॉज जब किताब आप बड़ी बनाते हैं तो क्या करते हैं एक साथ दूसरों को ग्रथित करते हैं। ग्लैंड शब्द वगैरह ग्रंथी शब्द जो बना है वो इसीलिए, क्योंकि वो एग्लूटिनेटेड पार्ट है, स्टिच्ड अप पार्ट है, तो इसलिए इसको एग्लूटिनेट कहते हैं। उसी तरीके से देखें एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या है? अब ये मैंने पहले बतलाया था कि संस्कृत में जो शब्द व्रुत होता है, व्रुत का जैसे आप कहते हैं उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, वो वर्तता अच्छा नहीं है, वर्तन उसका सही नहीं है, उसका मतलब क्या है? ब्रुत शब्द दरअसल किसी भी तरह के चेंज को दर्शाता है। ये बलक में भी हो सकता है, ब्रुत में भी हो सकता है, आवर्तन निवर्तन प्रत्यावर्तन। अंग्रेजी में भी सैकड़ों शब्द इससे बने हैं, अभी हम तो केवल उतना ज्यादा विचार नहीं करेंगे, केवल ये समझें कि इसका सेंस हमेशा एक तरीके के चेंज को दर्शाता है। जैसे अगर एडवर्सिटी है तो एडवर्सिटी का मतलब कोई एक ऐसा है जो आपके आ पड़ा, जिसको कहते हैं एड का सेंस आप लें कि आ पड़ा कोई जो चेंज एक ऐसा आ पड़ा, और ये डेरोगेटरी सेंस ले लेता है। जब एडवर्सिटी में आप होते हैं आप विपत्ति में एक तरह की होते हैं, सो यू आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी। उसी तरीके से एडवर्सरी कौन होता है? जो आपका कोई अपोनेंट है, दरअसल वो जो भी है वो अब आप एक तरीके से आपके रास्ते में वो रुकावट पैदा करना चाहता है, तो उसको कहते हैं एडवर्सरी। जो भी कुछ आपके चेंजेस हैं, मतलब वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, दैट इज वाई ही इज योर एडवर्सरी, योर एनिमी, योर अपोनेंट एटसेट्रा। तो इस सेंस में इसका प्रयोग होता है। लेकिन मुख्य जो रूट वर्ड है जिससे कि सैकड़ों शब्द बनते हैं, मैं भी उन पर जा नहीं रहा हूं, मैं तो केवल एड पर विचार कर रहा था, तो कुछ शब्द मैं ये दिखाना चाहता था कि कैसे, और हर जगह आप देखें कि ये चेंज नहीं हो रहा, कहीं कहीं पर एड हम रख रहे हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उच्चारण स्वाभाविक जहां पर बना हुआ है वो अपने आप होता है,
और इन चीजों पर गहराई से विचार करना तो इसमें कम से कम संभव नहीं है। ये बहुत ही गहन विषय है और अभी तक ठीक ठाक विशद विवेचना इन चीजों की हुई भी नहीं है। अब दूसरा शब्द ने एडवोकेट या एडवोकेट, जैसे कि इसमें वर्ब में भी हम कहते हैं कि यू एडवोकेट फॉर फॉर एग्जाम्पल हेल्दी डाइट, तो मतलब क्या होता है? यहां पर जो संस्कृत का शब्द देखें वच, वच का मतलब होता है बोलना। आप किसी चीज को आकर के बोलते हैं कि भाई ये करो ना करो, तो आप एडवोकेट करते हैं, और जो आपका एडवोकेट भी होता है वो आपके लिए बोलता है, इसीलिए वो एडवोकेट है, वो आकर के कुछ बोलता है। तो यहां पर जो वच बोलने के सेंस में है वो आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द इस पर, मैं यथास्थान पर इन जब रूट वर्ड का विचार करूंगा तो उनसे बनने वाले शब्दों पर भी विचार करूंगा। एक बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये जो कंजंक्शंस हैं, अच्छा यहां पर जब हम ग्रथ की बात कर रहे थे तो हमने आपको ये बतलाया कि भाई ये एग्लूटिनेट हो जाता है। एक प्रिंसिपल बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ लेने की जरूरत है। हमने जैसे कि पहले भी ध्वनि संबंधी नियमों के बारे में विचार किया था, क्योंकि ये नियम इतने जटिल हैं और वो इस प्रकार से हैं कि उन पर ज्यादा ध्यान रखने का कोई मतलब नहीं है और उससे कोई ज्यादा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। पर एक बात समझ लें कि र और ल प्रायः इंटरचेंजेबल हैं, ये नॉर्मली सभी जगह पर इस तरह की, यहां तक कि पाणिनीय व्याकरण में तो कात्यायन ने इस चीज को स्वीकार किया है कि र ल रि वर्णयो मिथः सावर्ण्यम् वाच्यम्। तो ये कहीं भी जैसे कि आप देखें अंग्रेजी का शब्द बार्बर, अब आपको लगेगा ये क्या है, दरअसल संस्कृत में खुद ही न केवल बाल का प्रयोग होता है, बाल वाल का भी प्रयोग होता है और बार का भी प्रयोग होता है, सबका मतलब वही है हेयर, और ब्रुई शब्द काटना होता है, ये बाद में मैं इस पर आऊंगा। बार्बर जो बाल काटता है वो आपका बार्बर है, क्योंकि मुख्यतः ये शब्द इसी प्रकार से कहीं भी रह का ल हो जाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है। कई बार तो उच्चारण सौकर्य की दृष्टि से या एफोनी की दृष्टि से ये होता ही है, और कई बार लोगों के अपना मतलब ये ऐसा है कि केवल ऑब्जेक्टिव सेंस में इन चीजों को लाकर एक नियम के धरातल पर खड़ा करना मुश्किल काम है, इसमें सब्जेक्टिवल सेंस भी है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि व्यक्ति व्यक्ति, व्यष्टि और सामष्टिक दोनों प्रकार की चेतना इसमें काम करती है, और इसीलिए जैसे आप देखें, अच्छा इसके अलावा और भी क्या होता है भाषाओं में, एक मजेदार घटना ये भी घटती है कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब शुरू में कोई शब्द बोला जा रहा था बाद में उसमें काफी जटिलता है। अभी जैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आप ग्रीक अल्फाबेट का उदाहरण मैं लेता हूं, आप उसमें देखेंगे कि ज है ही नहीं, ज है ही नहीं, उसका परिणाम क्या हुआ है, वहां पर केवल ग के लिए गामा है, लेकिन वो भी गलती से अंग्रेजी में उसको भी हम जी बोलते हैं, एक्चुअली उसको गी पढ़ा जाना चाहिए था, क्योंकि दरअसल वो इसके लिए था, क्योंकि अंग्रेजी में जे वगैरह लेटर हैं। वास्तव में किसी भी सभ्य भाषा के स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती कि प्रत्येक लेटर एक फोनिम को रिप्रेजेंट करता। आदर्श स्थिति तो यही है, दिस इज द आइडियल सिचुएशन दैट एवरी लेटर वुड हैव बीन अ फोनीम। फोनीम क्या है? फोनीम एक यूनिट है वोकेशन का, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी उच्चारण और एक लेटर दोनों, बस एक एक ही लेटर का, एक लेटर और एक जो ध्वनि है उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। हजारों ध्वनियां होती हैं किसी भी भाषा में, सभी ध्वनियां व्यक्त नहीं की जाती हैं। संस्कृत ने किस प्रकार से ध्वनियां अपने में व्यक्त की हैं उनको, वो एक बड़ा ही साइंटिफिक चीज है, हम उस पर अभी नहीं जा रहे। लेकिन हुआ क्या है कि अंग्रेजी वगैरह में तो भारी गड़बड़ झाला है। अब आप देखें कि जब इसके वॉवेल्स को लेते हैं तो ए ई आई ओ यू, ये कौन सा फोनिम को व्यक्त करता है ये पता ही नहीं है, और अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता कि दरअसल है क्या। अब आप देखेंगे कि जो ये ई है यही केवल एक सच्चा फोनिम को रिप्रेजेंट करता है, बाकी कोई भी नहीं, अधिकतर एक से अधिक, या यूं कहें कि ये डिफ्थोंग्स हैं ये सब। जैसे इसको आप आई बोलते हैं, इसमें अ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, दीज आर द डिफ्थोंग्स, एटलीस्ट जहां तक बोलने का सवाल है। ट्रू रिप्रेजेंटेशन उनका कुछ भी हो, वो भी एक एक रूपता नहीं है उसमें कहीं पर भी। ये सबसे बड़ी समस्या है इन भाषाओं के लिए, और अंग्रेजी में ये समस्या सर्वाधिक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फ्रेंच वगैरह में ये समस्या उतनी जटिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ तरीका अपनाया हुआ है। पहले क्या होता था कि अंग्रेजी में भी जिनको हम कहते हैं कि फ्रेंच में जैसे आ
आपको बोलना होगा, तो वो क्या करते हैं कि ए के ऊपर इस प्रकार का वो एक सिंबल लगाते हैं। पहले अंग्रेजी में भी ये सब था, लेकिन धीरे धीरे वो गायब कर दिया गया। अब उसके कारण भारी दिक्कत होती है, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आम लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, कोई डबल ए लिख रहा है। दरअसल ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर होता, इंटरनेशनल तरीका ये है कि ए के ऊपर आप ऐसे डालें, तो ये सारी समस्या वहां पर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जय है वो ग्रीक में है ही नहीं, दरअसल लैटिन में भी नहीं है व्यवहार में ये। तो प्रॉब्लम इसका क्या हुआ है कि हमारे यहाँ से संस्कृत से जो पहले जो भी कोई भाषा रही होगी, ऐसा लगता है कि 10,000 साल 20,000 साल पहले कोई एक मूल भाषा थी, उनको कहने में ये शर्म आती है कि वो संस्कृत थी। तो मैं कहता हूँ चलो कोई थी, तो कम से कम इनका जो विघटन या विपथन हुआ या जो भी सेसेशन हुआ या मतलब सिसीड जो किया लैंग्वेजेज ने, वो 10,000 साल से ज्यादा है, ये आसानी से दिखाया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहां से जो भी शब्द गए हैं, जैसे अज्र, अज्र का मतलब होता है एग्रीकल्चर संस्कृत में। अब ये ज तो है ही नहीं, वो करते क्या है, वो एग्री बना देते हैं। ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर है। अभी हमारे पास हिंदी में बहुत कम शब्द है, चूंकि ये वैदिक टर्मिनोलॉजी है, चूंकि संस्कृत के साथ 8 लेयर बहुत स्पष्ट है। आप कितना भी संस्कृत के पंडित हो जाए, अगर आपने वेद नहीं पढ़ा होगा, आप वेद नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भाषा ही एकदम अलग है। वैदिक लैंग्वेज जो था हाईली एक्सेंटेड लैंग्वेज था, हाईली सिलेबलिक एक्सेंटेड लैंग्वेज था, जिसका अगर कोई प्रोटोटाइप अगर कॉपी बची हुई है तो केवल अंग्रेजी है। अंग्रेजी के अलावा दुनिया में कोई भाषा आज की तारीख में नहीं है जो कि सिलेबलिक एक्सेंट का नमूना हो, कहीं भी नहीं है। और यही अंग्रेजी बोलने में सबसे ज्यादा दिक्कत विदेशियों को आती है, क्योंकि वो सिलेबलिक एक्सेंट का एक अद्भुत नमूना है जो कि कोई भी भाषा में ऐसा नहीं, इवन संस्कृत में भी नहीं है। मॉडर्न संस्कृत उस तरह की नहीं रही है, बहुत कम उस तरह के सिलेबलिक एक्सेंट हैं। ज्यादातर एक्सेंट जो होते हैं वो दूसरे टाइप के होते हैं, वो उस टाइप के नहीं है जैसे कि अंग्रेजी वगैरह में। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अज्र को देखें, वो एग्री हो जाता है। और मजेदार बात क्या है कि महान अंग्रेजी के महान वैयाकरण नेसफील्ड का नाम आपने सुना होगा, तो नेसफील्ड साहब अपनी किताब में साफ कहते हैं कि भाई देखो, जो भी गटरल्स हैं अंग्रेजी में टेंडेंसी क्या होती जा रही है कि ये सब पैलेटल्स होते जा रहे हैं। तो अंग्रेजी इसको भी, गटरल को अंग्रेजी लोग पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि बोलने में दिक्कत होती है हम लोगों को, हम नहीं बोल पाते ठीक से। तो हो क्या रहा है, अब उनके यहां हो ये रहा है कि उनका जो गय है वो लेकर के ज बना देते हैं। अब मजेदार चीज ये है कि इसीलिए ग्रीक से ज्यादातर जो वर्ड आए हैं वो चाहे वो गय या रहे हो या ज रहे हो, वहां तो ग ही होना है, और वो ग को भी ज बना डालते हैं। ये एक अजीबोगरीब चीज हो रही है, क्योंकि इनको गटरल स्वाभाविक नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में है ही नहीं, लेकिन टेंडेंसी लगातार ये रही है ग का जय की ओर बनने की। तो इस तरह की स्थिति से परिवर्तन होता जाता है। ये तो एक तरह का परिवर्तन है, भाषा संबंधी परिवर्तन को ग्रीम और ग्रासमान ने एक नियम बनाने की कोशिश की है, हालांकि ये लोग इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। मैं उन नियमों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अनावश्यक, हमें बहुत दूर ले जाएंगे। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं।